कायनात की सबसे बड़ी सदाकत क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, इस कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है, जरा बताएंगे आप, बताओ। तौहीद है ना, जानते हो इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसकी गवाही सबसे पहले किसने दी, बोलो। अभी तो आपने एक सवाल का जवाब दिया, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई बोलो क्या है, तौहीद है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह एक है और यकता है, दोनों में फर्क है, वाहिद है एक है, और अहद है अकेला, एक में और अकेले में फर्क है कि नहीं, जो फर्क एक में और अकेले में है वही फर्क वाहिद और अहद में है। हम लोग क्या तर्जुमा करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, तर्जुमा गलत है, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह अकेला है, एक नहीं, एक तर्जुमा तो वाहिद का होता है, अकेला है उस जैसा कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं, ये मतलब है अकेले का, अपनी जात में अकेला, अपनी सिफात में अकेला, अपनी हर हर अदा में अकेला, अल्लाह। वाहिद माने एक, और अहद माने अकेला, यकता। तो अपनी यकताई पर, अपनी तौहीद पर सबसे पहली गवाही किसकी दिलवाई अल्लाह ताला ने, तौहीद की गवाही सबसे पहले किसने दी है, खुद अल्लाह की। इतनी बड़ी सच्चाई है कि सबसे पहले इसकी गवाही किसने दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, खुद अल्लाह ने, और उसके बाद किसने गवाही दी, मलाइका ने, इसलिए कि पहले वही पैदा किए गए नूर से, और उसके बाद अल्लाह ने अपनी गवाही के साथ, मलाइका की गवाही के साथ, पूरी मखलूक की गवाही के साथ, अहले इल्म की गवाही जिक्र फरमाई है, आयत करीमा इस तरह, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकातु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, गवाही दी अल्लाह ने सबसे पहले यह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सबसे बड़ी सच्चाई के ऊपर सबसे सच्चे की गवाही, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो तौहीद पर सबसे पहली गवाही अल्लाह की है, और उसके बाद वल मलाइकातु, उसके बाद फरिश्तों ने गवाही दी, और अल्लाह ने अपनी गवाही के साथ, फरिश्तों की गवाही के साथ अहले इल्म को जोड़ दिया, वो उलुल इल्मी, अहले इल्म ने गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या नुक्ता निकला, क्या नुक्ता निकला, तौहीद की गवाही जो दे दे वो इल्म वालों के जुमरे में चला गया, और जो शिर्क की ताईद करे वो जाहिलों के जुमरे में चला गया। दुनिया का कितना ही बड़ा इल्म वाला हो, बायोलॉजी का माहिर हो, फिजिक्स का माहिर हो, केमिस्ट्री का माहिर हो, किसी भी फन का माहिर हो, अगर तौहीद पर उसकी गवाही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जाहिलों के जुमरे में उठा के फेंक दिया है, सबसे बड़े जाहिलों। इसलिए कि सबसे बड़ी सच्चाई के तो तुमने ताईद ही नहीं की। बड़े खुशनसीब है आप लोग के आप लोग मलाइका के साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही के साथ हैं, इसलिए कि आपने इल्म के साथ ये गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो दो बातें इस आयत करीमा समझ, सबसे बड़ी सच्चाई कायनात की तौहीद, और इस सबसे बड़ी सच्चाई के ऊपर सबसे बड़ी सच्ची की गवाही अल्लाह तबारक तआला की गवाही, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, और उसके बाद मलाइका, फिर उलुल इल्म को जोड़ दिया मलाइका के साथ, देखिए अपनी गवाही, मलाइका की गवाही, अहले इल्म की गवाही। कुत्ता, कुत्ता क्या, डॉग, कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो कितनी मरतबा धोना, 7 मरतबा, और एक बार मिट्टी या साबुन से, मिट्टी से धुलना बेहतर है, इसलिए कि मिट्टी के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने लुआब के अंदर कुत्ते के जो जरासीम रहते हैं मारने की सलाहियत दी है। तो एक दफा मिट्टी से धुल लो, नहीं धुले 7 मरतबा तो बर्तन नापाक रहता। अच्छा बताओ, कोई कुत्ता किसी जानवर को पकड़कर मार डाले, दांत लगाता है कि नहीं, दांत की वजह से उसके लुआब जानवर के जिस्म में चले जाते हैं। कोई कुत्ता अगर किसी जानवर को मार दे, जिस जानवर के खाने की इजाजत शरीयत में दी गई है, कुत्ता अगर मार डाले तो खाना जायज है, हैं, बगैर दवा किए, मर जाए तब भी खाना जायज नहीं, और अगर ज़बह किए बगैर मर गया, ज़बह नहीं किया आपने, तब भी खाना ना जायज है, समझ गए। कुत्ता नजीस है, अगर
किसी ऐसे जानवर को पकड़ कर मार डाले जिसका खाना जायज नहीं है, खाना जायज है, मार डाले तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब उसी कुत्ते को आलिम बना दीजिए, इल्म की अहमियत देखिए, कुत्ते को आलिम बना दीजिए, इल्म की अहमियत देखिए। अगर बिस्मिल्लाह करके कुत्ते को छोड़ दिया जाए, आलिम कुत्ते को छोड़ दिया जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के, और वो जानवर को मार डाले तो बगैर ज़बह किए हुए खाना जायज है। मार डाले जानवर को, ज़बह करना जरूरत नहीं ज़बह करने की, आप खा सकते। दलील, दलील इस तरह يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا کون سا کتا دوسرا کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے لیکن عالم کتا مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بغیر دوا کیے علم کی اہمیت پر اس سے بڑی دلیل لا سکتے ہو یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے कुत्ता आलिम हो जाए तो उसका जूठा खाना जायज है। नहीं है सर, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान बोलता है, फिर से पढ़ो है। यस अलूनका माजा उहिल्लहुम कुल उहिल्लकुम अत्तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिन अलजवारिह मुकल्लबीन तुअल्लिमूनहुन मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वाذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب। जाहिल कुत्ता मार डाले तो जानवर का खाना जायज नहीं है, आलिम कुत्ता मार डाले तो आलिम कुत्ते का झूठा खाना जायज हो गया। कितनी बड़ी बात है, आप मौलवियों को खिलाया करो थोड़ा। नहीं, ये इल्म की अहमियत पर एक बड़ी शानदार दलील है, आलिम कुत्ता और जाहिल कुत्ता। और अजीब बात तो यह, मैंने देखा है आलिम कुत्ते को ट्रेंड जो है, ट्रेंड आलिम कुत्ते को क्या बोलते हैं, ट्रेंड डॉग, आलिम कुत्ता, मुअल्लम कुत्ता। वो आम कुत्तों के साथ बैठता भी नहीं है, ऐसे देखता है और उसके बाद बड़ी बेनियादी से उस तरफ से आ जाता है, अपनी जगह खड़ा हो जाता है, उनके साथ मिक्स ही नहीं होता, उनके साथ मिक्स ही नहीं। मैंने देखा है ट्रेंड डॉग को, आम कुत्तों के साथ जाहिलों के साथ मिलता ही नहीं हो जी। मैंने बड़ी बेनियादी से देखता है, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूं, उसकी जिंसी का नहीं है, और उधर से आ जाता है घूमता हो। क्या इल्म है, इल्म तो इल्म कहते हैं। और इसी इल्म की वजह से तो हमें फरिश्तों पर फजीलत दी गई है। अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, वही कहा रब्बुक लिलमलाइक, तो भी बड़ा शानदार आपने दिया है, वक्त बहुत का। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هَتِيَار ڈال دیا فرشتوں نے آدم کو اسماء سکھلا دیے گئے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا چلو ان کے نام بتاؤ कहने लगे कि अल्लाह तू पाक है हमें कुछ इल्म नहीं जितना तूने बता दिया हमें उतना इल्म है। आदम से कहा गया चलो इनके नाम बताओ फटाफट उन्होंने नाम बता दिए। तो इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को इंसान को मर्तबा अता फरमाया फरिश्तों के ऊपर और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें आदम के सामने जी। इल्म के बिना बहुत बड़ी चीज है। अच्छा एक नुक्ता यहां बता दो, कौन सा इल्म, कौन सा इल्म, मैं तकसीम नहीं करूंगा इल्म दुनिया और इल्म दीनी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दुनिया के अंदर जितने भी उलूम है, फिर से बोल रहा हूं मैं, दुनिया के अंदर जितने भी उलूम है जिस इल्म की नाक में वही इलाही की नकेल डाल दी जाए वो इल्म दीन हो जाता है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, इल्म से बनाया ना, लेकिन उस इल्म में, अमेरिका के उस इल्म एटम बम के अंदर वही इलाही की नकेल नहीं थी। एक नुक्ता और मालूम हुआ, दुनिया के जिस इल्म की नाक में वही इलाही की आसमानी इल्म की नकेल ना हो वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह इल्म है, और जिस इल्म की नाक में आसमानी इल्म की नकेल डाल दी जाए वो इल्म इंसानियत के लिए मुफीद है। नहीं समझा, अमेरिका ने एटम बम बनाया, इल्म से बनाया, लेकिन चूंकि उस इल्म के अंदर आसमानी इल्म की नकेल नहीं थी, कितना तबाह कुन साबित हुआ, पूरा हिरोशिमा नापा साकी तबाह बर्बाद होकर के रह गया, उस इल्म में वही इलाही की नकेल नहीं थी। लिहाजा जो इल्म
ایسا ہو جس کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو، دینی علم ہے وہ، اس سے انسانیت کو فائدہ ہے، اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لیے سخت مضر ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم، بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی علم، میں نے کہہ رہا دلیل اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ذمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. رواہ ترمذی کی کتاب لے لی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، سینے سے چمٹا لیا، اور اس کے بعد میرے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، سینے سے لگا کر کے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر ہے، علم بخاری کتاب العلم میں ہے، علم اصلی اور حقیقی علم علم کتاب، علم قرآن. اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے، کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کے راستے پر لگ جاؤں. دلیل دیکھیے علم کی اہمیت پر، شاندار دلیل. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے، یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. آپ لوگ کہاں آئے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں سے کائے کے لیے آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا. یا آپ لوگوں کے لیے بھی، خالی مولویوں کے لیے نہیں جو مدرسے میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے. سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ تو اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے، بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے، جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے، سب کو تعلیم دی جائے، لکھنا سکھایا جائے، پڑھنا سکھایا جائے، ساری چیزیں سکھائی جائے، علم سکھایا جائے. دلیل اس طرح. وعن الشفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہا قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانا عند حفظة رضی اللہ تعالی عنہ فقال لی الا تعلمین هذه رقية النملة كما علمتها الكتاب. رواہ ابو داؤد کی کتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد کی حدیث پاک کتاب الطب میں لائے گا، طب کا بیان یہ حدیث موجود ہے. حضرت شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا، تو ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. کہا کہ شبہ تم کہاں؟ کہا کہ ہاں لاکر سلائی کی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی. کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتی تم جیسا تم نے ان کو رقیہ نملہ سکھا دیا ہے، وہ چیونٹی کا منتر، ویسے ہی تم ان کو لکھنا سکھا دو میری بیوی کو، جیسا کہ اس کو تم نے رقیہ النملہ سکھا دیا ہے. رقیہ النملہ جانو کسے کہتے ہیں؟
वो पहले पसली के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ आ जाती थी गर्मी में, और इतनी तकलीफ दे होती थी जैसे अंदर फुंसियों के अंदर चींटियां काट रही हैं, बहुत तकलीफ दे होती। तो हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला एक मंत्र जानती थी, वो मंत्र पढ़ती थी और उस मंत्र की वजह से वो बीमारी दूर हो जाती थी, फुंसियां खत्म हो जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि वो मंत्र इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं जिसके अंदर शिरकिया बातें हूँ। तो हजरत शफा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे एक मंत्र याद है जिससे मैं नमला की बीमारी फुंसियों का इलाज करती हूँ, आप देख लीजिए मैं पढ़ती हूँ उसके अंदर शिरकिया बात तो नहीं है। कहा पढ़ो, तो उन्होंने वो मंत्र पढ़ा। बोली साहब वो मंत्र याद है ना आपको, मंत्र याद है ना क्या है वो? अल अरूसु तंतहिल व तख्तज़िब व तक्तहिल व कुल्लु शाइन तफ्तहिल गैरा अन्नहा ला तस्तज़िब, यही ना मंत्र मुझे आपको याद है क्या है वो? वो फुंसियां निकल आए तो वो क्या पढ़ती थी, कौन सा मंत्र पढ़ती थी? अल अरूसु तंतहिल व तख्तज़िब व तक्तहिल व कुल्लु शाइन तफ्तहिल गैरा अन्नहा ला तस्तज़िब, ऐसा पढ़ देती थी। क्या मतलब है जानते हो इसका? दुल्हन को चाहिए कि वो जूती पहने, दुल्हन के लिए जूतियां लगा करो, वो तख्त अजीब और मेहंदी लगाए। दुल्हन को चाहिए कि जूती पहन ले, पहन लिया, मेहंदी लगा ले, लगा लिया, वो तख्त तहिल सुरमा लगा ले, लगा लिया, वो कुल्लू शाइन तब तहिल, दुल्हन हर काम करे, सब काम कर सकती है, गैरान ना ला तासे रसूल, अपने मर्द की लापरवाही ना करे। ऐसा पढ़ने पर वो बीमारी दूर हो जाती थी। औरतों को चाहिए कि अपनी बीमारियां दूर करनी हूं तो शौहर की खिदमत करो, उसकी नाफरमानी ना करें।